नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। आज के इस वीडियो में फिर एक बार बात चीनी ऐप टिकटॉक की। जिस तरह से चीनी ऐप टिकटॉक का देश भर में बहिष्कार हो रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, इसे जानकर आप चौंक जाएंगे, और वो बात टिकटॉक को लेकर ही है। जी हाँ, जिस तरह एलएसी पर जिस प्रकार की हरकत चीन वर्तमान में कर रहा है, उससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। चीनी सामानों और चीनी ऐप्स का विरोध भी जोरों पर है। लेकिन इसी बीच चाइनीज ऐप टिकटॉक को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि आपके फोन में इंस्टॉल चाइनीज ऐप टिकटॉक आपकी जासूसी कर रहा है? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि एप्पल का एक फीचर कह रहा है। दरअसल एप्पल की ओर से नया iOS 14 अपडेट रिलीज किया गया है, और कंपनी का एक फीचर उन एप्स का पता लगा सकता है जो यूजर्स का डेटा एक्सेस कर रही है। पिछले वर्जन में मौजूद एक खामी के चलते एप्स डिवाइस का क्लिपबोर्ड एक्सेस कर सकता था, और अब जैसे ही कोई ऐप ऐसा करेगा, यूजर को वार्निंग मिल जाएगी। इस फीचर की मदद से पता चला है कि चाइनीज ऐप टिकटॉक लाखों आईफोन यूजर्स की लंबे वक्त से जासूसी कर रहा था। टिकटॉक बार बार यूजर्स का क्लिपबोर्ड एक्सेस करता था और उनके नोट्स पढ़ सकता था। इसको लेकर सिक्योरिटी रिसर्चर्स तलाल हज बेकरी टॉमी मिस्क ने बताया कि यूजर्स की जासूसी करने वाले एप्स में टिकटॉक भी शामिल है। इससे पहले टिकटॉक के ऑनर कंपनी बाइटडांस ने कहा था कि यह प्रॉब्लम एक आउटडेटेड गूगल एडवर्टाइजिंग SDK की वजह से थी, जिसे रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि iOS 14 के नए क्लिपबोर्ड वार्निंग फीचर्स में टिकटॉक बार बार क्लिपबोर्ड एक्सेस करते हुए पकड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि टिकटॉक अब भी ऐसा कर रहा है, और अप्रैल में उसने अपने वादे के मुताबिक इसे फिक्स नहीं किया था। यूजर्स का पर्सनल डेटा और नोट्स एक्सेस करते हुए टिकटॉक पहले भी पकड़ा गया था, और तब कंपनी ने इसे एक खामी बताते हुए फिक्स करने की बात कही थी। हालांकि नए iOS 14 फीचर की मदद से कंपनी का यह झूठ सामने आ गया है, और ऐप की ओर से कोई सुधार या बदलाव यह बात सामने आने के बाद भी नहीं किया गया था। एप्पल के यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड में कुछ भी कॉपी या पेस्ट करने पर बाकी एप्पल डिवाइसेस पर भी उसे पढ़ा जा सकता है। इस दौरान टिकटॉक एक्टिव होने पर पासवर्ड से लेकर मेल्स तक पढ़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि आप अपने फोन से चाइनीज ऐप टिकटॉक को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये ऐप आपकी जासूसी तो कर ही रहा है, साथ ही हमारे देश से मोटा पैसा कमाकर इसका प्रयोग हमारे ही खिलाफ कर रहा है। वर्तमान में देश में चाइनीज सामानों और ऐप का बायकॉट जोरों पर है, और इस मुहिम से हम सभी को जुड़ने की जरूरत है, ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जो हमारा चैनल है मोबाइल न्यूज 24, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार।